हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन प्लैनेट। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ इस बहुत ही खूबसूरत से प्लांट की, पर्पल हार्ट इसे बोलते हैं। पर्पल कलर की लीव्स होती हैं इसकी, बहुत ही खूबसूरत लीव्स होती हैं। गर्मियों का प्लांट है और हैंगिंग में या वैसे बहुत अच्छा लगता है किसी भी पॉट में, छोटे से छोटे पॉट में ये लग जाता है। आप हैंगिंग का ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, लेकिन अब जैसे कि सर्दियां आ गई हैं, स्टार्ट हो गई हैं, तो अब इसको कैसे बचाया जाए नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो बस मैं ये वीडियो जो शेयर करने जा रही हूँ आपसे, वो इसीलिए करने जा रही हूँ। तो इसको देखिए, बचाना भी बहुत इजी है, क्योंकि अब ये जैसे सर्दी आ रही है तो हमारे पास से धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा ये। तो देखिए, जैसे ये लैगी सा हो गया है, ये है जैसे ये लैगी सा हो गया, दूर दूर इसमें पत्ते आ गए, स्टेम बहुत ज़्यादा दिख रही है इसकी। तो जैसे ये देखिए, ये देखिए, आपको स्टेम बहुत बीच में दिख रही होगी, बाकी जब इसका सीज़न होता है तो इसमें ये चीज़ दिखाई नहीं देती है, बस केवल लीव्स लीव्स दिखाई देती हैं। और इसमें जो फूल आता है वो भी, अब जैसे एक दो फूल आ रहे हैं बहुत छोटे छोटे से, एक तो फूल भी बहुत छोटा हो गया है इसका, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये सुबह इसका मॉर्निंग में इसके फूल आते हैं और अब इस टाइम तो ख़राब हो जाते हैं फूल। तो फूल अभी एक दो आते हैं, बहुत कम फूल खिल रहे हैं क्योंकि इसका सीज़न अब जा रहा है। तो अब इसको बचा के रखना, अब कैसे बचा के रखें, बहुत ईजी है, बहुत आसान तरीका है इसको बचा के रखना। तो देखिए, जैसे ये आपने किसी पॉट में लगाया है, जैसे एक तो ये बड़े गमले में लगा हुआ है, ऐसे ही मैं किसी भी चीज़ में कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा लगा देती हूँ तो ये हो जाता है, बहुत झाड़ीनुमा सा बन जाता है। तो देखिए, एक दो टुकड़े लगाए थे, ये पूरा बहुत सारे बन गए हैं ये इसमें। और एक ये इधर पॉट में लगाया हुआ है, तो ये देखिए, ये इस गमले में लगाया हुआ तो पूरा गमला इसने भर दिया, एक दो डंडियाँ लगाई थी बस मैंने। ऐसे ये देखिए, ये इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, इतने सारे एक लगाओ और तो पूरा भर जाता है, उखाड़ उखाड़ के फेंकने पड़ते हैं मुझे, निकालने पड़ते हैं, कटिंग फेंकनी पड़ती है मुझे इसकी, और पूरा भर भर के कट्टा मैं फेंक देती हूँ इसको, इतना ज़्यादा हो जाती है, हर जगह हो जाएगी, किसी भी गमले में देख लीजिए, सब जगह हो जाएगी ये। और ग्रो करनी भी बहुत इजी है, छोटा सा टुकड़ा लो, इतना एक इंच का दो इंच का टुकड़ा ले लो, उसे लगा दो, उसी में ही रूटिंग हो जाती है, और बहुत जल्दी रूटिंग होती है, बहुत जल्दी बढ़ जाती है। अब तो फ़िलहाल इसका कलर जो है वो भी डल हो चुका है, थोड़ा लाइट पर्पल सा हो गया है, फेडी फेडी सा कलर हो गया है, लेकिन जब इसका सीज़न होता है तो ये बहुत ही प्यारा एकदम पर्पल दिखाई देता है। और जब ग्रीन में पर्पल कुछ लुक दिखाई देता है तो वो बहुत ही क्यूट सा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और जो इसके फूल होते हैं वो पिंक कलर के फूल होते हैं, इसमें खूबसूरत से फूल होते हैं और थ्री पेटल वाले फूल होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके फूल। और अब ये जा रही है, तो देखिए इसको आप ऐसा कीजिए, ये इसको यहाँ से या तो इसको कट कर दीजिए, कट करके, और जो इसकी रूट्स हैं वो उसी में ही रहने दीजिए आप इसको। अगर इसकी रूट्स आप निकाल के नहीं फेंकेंगे तो ये अगले सीज़न में, मार्च में या अप्रैल में, खुद ब खुद ग्रो कर देगी अपने आप ही। और जैसे अब आप ये सोच रहे हैं कि जैसे इस पॉट में हो रहा है, ये पॉट में अब किसी विंटर प्लांट्स के लिए यूज़ कर लूँ, तो आप इसको सारे को निकाल लीजिए ऐसे कैसे मिट्टी के साथ इसको, और किसी भी दूसरे ख़राब से किसी प्लांटर में रख दीजिए, या किसी जैसे कि कोई ये बैग्स होते हैं, पॉली बैग्स वगैरह होते हैं, उसमें बांध के रख दीजिए आप ऐसे ही। और रेगुलर इसको पानी वगैरह जैसे देते हैं वो आप करके रख लीजिए। तो पॉली बैग में अगर आप रख रहे हैं तो नीचे छेद कर लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। और या फिर किसी, सबसे अच्छा ये है कि आप किसी दूसरे बड़े पॉट में रख दीजिए इसको निकाल के, तो ये खुद ब खुद हो जाएगी, ईजी है बहुत। और जैसे ही मौसम इसका आता है वैसे ही आप इसे छोटे छोटे से टुकड़े इसके करके और रख दीजिए उसमें, और अगर नहीं है तो रूट्स में से अपने आप नहीं निकल आएगी, फिर उसको छोटे जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 3-4 इंच के जो इसकी ये स्टेम हो जाती है उसे फिर कट कर दीजिए, तो बुशी भी बन जाएगा आपका और बहुत सारी स्टेम निकल आएंगी इसमें। और ये पूरा आपका जितना मर्जी, मैं देखिए सिर्फ इसे एक बार लेके आई थी नर्सरी से, सिर्फ एक बार मैंने ली थी, और अब मैं इसको इतनी सारी बना चुकी हूँ कि मैं पूरा बोरा भर के फेंकती हूँ इसे गर्मियों में। मैंने ये सबको गिफ्ट भी किया है, ये दिया भी है सबको, लेकिन फिर भी ये इतनी सारी हो जाती है। स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था कि मैं बचा नहीं पाऊँगी इसे, नेक्स्ट मुझे लानी पड़ेगी, लेकिन मैंने क्या किया था, वो छोटे पॉट में लगी हुई थी वो उठा के और रख दी मैंने। नेक्स्ट मैंने उसमें फेब्रवरी मार्च में देखा, खुद ही ग्रो हो गई है,
उसके बाद से तो दो तीन तीन चार साल हो गए मेरे को, मैंने कभी इसको दोबारा से ख़रीदा नहीं है, बाय नहीं किया मैंने कभी भी इसको। तो आप भी इसको लगा के रखिए और अपनी इसको पर्पल हार्ट को बचा के रखिए इसको, और अगले सीज़न में फिर से ग्रो कीजिए पूरा। आप जगह जगह इसको लगा दीजिए, ये देखिए ग्रीन के साथ पर्पल का लुक बहुत ही प्यारा आता है, ये आप देख रहे होंगे पूरा ओवरऑल ऊपर से ग्रीन है और नीचे से आप ये देखिए पूरा पर्पल आता है, तो एक लुक एकदम बिल्कुल हटके आती है। तो वही लुक देने के लिए जब ग्रीन में कोई और कलर आता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसको ज़रूर बचा के रखें। और नॉर्मल अगर इसको धूप देते हैं तो अच्छा है, बस कोहरे से थोड़ा बचा रहेगा, या किसी प्लांट के नीचे रख दीजिए, या आप अपने पॉट को उठा के उसके नीचे रख दीजिए, तो सबसे ईजी है इसको बचा के रखना, और फिर अगले सीज़न में फिर से इसका मज़ा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय।